एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है थर्सडे और ब्लॉग तो अपलोड किया जा चुका है, जो संडे से लेकर हमने वेडनेसडे तक क्या किया वो सब अपलोड किया जा चुका है। फिर से मैं ये थर्सडे से स्टार्ट कर रही हूँ। और क्या है ना कि कल वेडनेसडे को रात को, मतलब हमें पता नहीं था, रात को पता नहीं पूजा हुआ, मतलब उस पूजा का नाम नहीं पता, क्या पूजा हुआ वो मुझको नहीं पता। लेकिन जो होता है ना, लोग से टाइगर का कॉस्ट्यूम पहन के डांस दिखाते वो सब हुआ, तो उसका मैंने क्लिप बना के रखा है, आप लोग उससे पहले एंजॉय कर लीजिए। आप लोगों ने देखा ना कितना मस्त हो रहा है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों उसमें वो सब देखने से डर लगता है, क्योंकि वो लोग जैसे हर तरफ घूमते हैं कूद कूद के, मतलब जैसे नाचते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर झपट पड़ेंगे, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है उससे। लेकिन अच्छा दिख रहा है ना, आप लोगों ने तो देखा ही, अच्छा दिख रहा है। और मुझको बोला गया था इस पूजा को क्या बोलते हैं, लेकिन मुझको याद नहीं है। अगर आप लोग क्या बोलते हो आप लोगों को कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ मेरी बहन मस्ती कर रही है। नो नो नो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मम्मी डाइटिंग करती है, तो सुबह सुबह मम्मी गर्म पानी में कुछ मिला के पी रही है। तो मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी क्या डाल के पी रही हो, तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला। तो आप लोग बताना कि आप लोग सुबह सुबह गर्म पानी में क्या मिला के पीते हो। और जो ग्रीन लीफ लगाए गए थे वो बढ़ गया है। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, इतने सारे थे इतने कम कैसे हो गए। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि साग भी चोर, मतलब जो ग्रीन लीफ है वो भी चोरी करके ले गए। लेकिन ऐसा नहीं है, चोरी नहीं किया गया है। कल शाम को पापा तोड़े, मतलब जो बड़े हो गए थे वो तोड़ दिए पापा। और जो सच्चे मैं वो बोलूँगी ही, मतलब अगर चोरी हुई है तो मैं बोलूँगी कि चोरी हुई है। लेकिन ये जो ग्रीन लीफ है उसकी चोरी नहीं हुई है, कल पापा तोड़े थे। और ग्रीन लीफ को फ्रेश फ्रेश खाने में ही मज़ा आता है, लेकिन कल शाम हो गई थी, कल शाम को तोड़े, तो इसलिए रात को कौन भला खाएगा ग्रीन लीफ, इसलिए आज बनाया जाएगा। तो जब तोड़ा जा रहा था तो उस वक्त मैंने एक वीडियो भी बनाया था, चलिए आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो जो ग्रीन लीव्स है वो तो कल तोड़े गए, तो मम्मी आज वो बनाएगी, इसलिए उसे फ्रिज में रख दिया गया है। ये देखिए, और यहाँ मेरी बहन उधम मचा रही है, उसे
होली हैप्पी होली का नशा चढ़ा है, वो पाउडर ला रही है और अपने मुंह में लगा रही है और हमें भी लगा रही है और बोल रही है हैप्पी होली। ठीक है हैप्पी होली कर दिया ना, चलो हैप्पी होली कर दिया। ये चल बोल सक रहा देखा हैप्पी होली कर दिया इस तमें हैप्पी होली करो छो। जो हमारे बगीचे से टमाटर निकले हैं मतलब मिले हैं वो मम्मी अभी रसोई करेगी। तो मेरी बहन नहा धो के रेडी हो चुकी है, देखिए कैसी दिख रही है। इटा कौन था? किंडी वन। किंडी किंडर जॉय। किंडी जॉय हाँ। मुझे आप लोगों को और एक भी चीज़ दिखानी थी, मतलब मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मेरी बहन छतुआ खाती है, तो आज उसके जो इंग्रेडिएंट्स है आज मम्मी वो धो के सुखा रही। चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसे धूप में सुखाया जा रहा है मतलब। तो ये सब तो सुखा दिया गया है, मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में जब किया जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ये और एक दिन है और चलिए मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ। बोलो दिया था ठीक है ठीक है। तो ये वाइपर लाई हुई हूँ, मतलब ये मेरी बहन के लिए वाइपर लाया गया है, वो खेल रही थी तो दे नहीं रही थी, उसे पहले दे रही थी। तो एक्चुअली मैं क्या है ना कि मेरी बहन के जो वाइपर है वो ऑनलाइन मंगवाए जाते हैं और उसे स्टॉक करके रख दिया जाता है पैकेट सब। तो क्या हुआ ना, हमारा ध्यान ही नहीं रहा कब ख़त्म हो गया और कल तो दुकान भी बंद था। और वैसे तो वाइपर मंगवाने से वो जल्दी आ जाता, मेरी बहन का वाइपर मंगवाने से। फिर और एक पैकेट भी आया लेकिन फिर भी और एक पैकेट ले आए। और मेरी बहन का खास करके वाइपर्स डायपर्स और सेडलैक उसका खाना वगैरह वो ऑनलाइन मंगवाया जाता है। सेडलैक वो सब जो होता है वो ऑनलाइन मंगवाया जाता है और वो जल्दी भी आ जाता है। दूसरे चीज़ तो आने में टाइम लगता है लेकिन ये सब जल्दी आ जाता है, लेकिन फिर भी एक पैकेट ले आई मैं और शायद कल तक आ जाएगा उसका वाइपर। और मेरी बहन ने अभी पोटी कर दिया है। पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि जिसके भी मेरी तरह छोटा भाई या बहन है, क्या आप लोग मेरी तरह उनका पोटी साफ़ करते हो? आप लोगों को गंदा लगता है या खुशी खुशी साफ़ करते हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो खुशी खुशी साफ़ करती हूँ, जबकि मेरी बहन है वो उससे बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे आप लोगों को और एक चीज़ भी बोला था, मतलब आज मम्मी ने छोटे मछली रखे हैं, आज छोटे मछली बनाए जाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो संडे खाते तो आज क्यों खा रहे हैं, तो मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ तो झूठ नहीं है। जो मछली वाले आंटी हैं और हम संडे को ही खाते हैं और उन मछली वाले आंटी को भी पता है कि हम संडे ही खाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ये जो छोटे मछली होता है, ये जो छोटे मछली वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और मेरी मम्मी को छोटे मछली और भी मछली पसंद है, उसे हमारे लैंग्वेज में मागुरो माछ बोला जाता है, शायद इंग्लिश में उसे कैटफिश बोला जाता है। तो छोटे मछली और ये जो कैटफिश जो भी हो, मागुरो माछ हो, मम्मी इन दो मछलियों को बहुत पसंद करती है, मतलब ये दो मछलियाँ खाना मम्मी को बहुत पसंद है। तो उन आंटी को बोल देते हैं कि जब भी छोटे मछली और ये मछली वो मागुरो फिश लाओ तो ज़रूर देना। तो मम्मी रख लेती है जिस दिन भी वो लाते हैं। और ये जो मागुरो मच्छा है वो बहुत ही रेयरली मिलता है। और ये जो छोटे मछली होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं सेहत के लिए कि डॉक्टर भी वो रेकमेंड करते हैं, दूसरा मछली खाओ या ना खाओ ये छोटा मछली ज़रूर खाना। तो मैं अपनी बहन को साफ़ करके उसे पूरा नहला चुकी हूँ, अभी वो पूरा रेडी हो चुकी है। तो उसे नेल पॉलिश लगाना ज़्यादा पसंद है तो वो मुझे बोल रही थी, इसलिए मैं उसे नेल पॉलिश लगा रही हूँ। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। नेल पॉलिश देखो अच्छा दिया, इधर रखो, इधर लो भी बता। तो अभी मेरी बहन मेरा नेल पॉलिश लगा रही है, देखिए ये दो उंगलियों में लगा चुकी है, तीन भी हो गया। कैसा लगा है जरूर बताना। असद दिया लोगे क्या? इधर कौन हो जी? तीन नफा दीदी। दीदी को नफा लगे दूसरे? हाँ। तुम्हें इतने कहाँ जान लो? नहीं किस किए? दीदी हटो ना कोई के बस लटो। दिया लगी दिया क्या हटो?
एडी पसा पसा एडी पसा 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 तो यहाँ फिश को फ्राई किया जा रहा है। तो ये आ गया लंच, मछली फ्राई। तो मैं खाना खा चुकी हूँ और बहुत ज्यादा खा ली, इसलिए पेट टाइट हो गया है। और पता नहीं जब हम वेज खाते हैं तो कम खाते हैं, तो नॉन वेज खाने से इतना सारा कैसे खा लेते हैं, मुझको ये समझ में नहीं आता। वेज होने से 2-3 रोटी में हो जाता है, नॉन वेज होने से 4-5, तो वो 3 जो एक्स्ट्रा रोटी होते हैं वो जाते किधर है, पता नहीं मुझको समझ में नहीं आता। पूरा पेट टाइट हो गया है, मतलब जब नॉन वेज खाते हैं तभी ऐसा क्यों होता है, हमारा पेट बड़ा हो जाता है ना क्या। आप लोगों का भी ऐसा होता होगा ना कि जिस दिन नॉन वेज बनता होगा उस दिन ज़्यादा खा लेते होंगे, तो जिसके साथ भी ऐसा होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसका नहीं होता उसका तो पता नहीं। लेकिन पता नहीं जब नॉन वेज खाते मतलब इतना सारा कैसे खा लेते, पेट बड़ा हो जाता है या वो सारे एक्स्ट्रा चीज़ें जाते किधर है, मुझको समझ में नहीं आता। लेकिन मछली बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था। और आप लोग देखना जिसने भी ये छोटी मछली खाया है, वो जो ये मछली है वो थोड़ा सा कड़वा लगता है। और आप लोग देखना ये जो कड़वी चीज़ें होती है ना वही सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे कि करेला वो इतना कड़वा होता है उसे खाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा होता है। और जैसे कि नीम का पता, नीम का फूल, वो सभी कड़वे होते हैं लेकिन वो भी सेहत के लिए अच्छा होता है। और जैसे कि देख लो सच लोगों को कड़वी लगती है। हाँ हम सच खाते नहीं है, लेकिन सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब किसी इंसान के बारे में सच बोल दो कि वो कैसा है तो उसका रिएक्शन निकलने लगता है, लेकिन उनकी झूठ-मूठ में तारीफ कर दो तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, हाँ ऐसे होते रहता है। तो उसी तरह जो कड़वी चीज़ें होती है वो हमें खाने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छी होती है। अगर कड़वी चीज़ों की जगह हमें चटपटा फास्ट फूड मिले, चाइनीज फूड मिले, तो हम आ करके खाते रहेंगे, लेकिन ऐसे कड़वी चीज़ें हम खाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जबकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं ट्यूशन से आ चुकी हूँ और जो छतुआ रोस्ट मतलब जो छतुआ सुखाया गया था तो अभी उसे रोस्ट किया जा रहा है। चलिए मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अभी स्टार्ट किया गया है रोस्ट करना, और बस जो सुखाए गए थे वही नहीं, और भी कितनी चीज़ें रोस्ट करना है। फिर जब वो पूरा ठंडा हो जाएगा तब उसे अब पूरा ग्राइंड किया जाएगा, पाउडर बनाया जाएगा, फिर जाके वो रेडी होगा। और ऐसा नहीं कि जो भी सुखाया गया था वही रोस्ट किया जा रहा है, और भी कुछ चीज़ें उसमें मिलाया गया है वो सब भी रोस्ट किया जा रहा है। तो इसे बनने में तो टोटल 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे के आसपास। तो मैंने तो आप लोगों को दिखा दिया रोस्ट किया जा रहा है। तो आज का व्लॉग इतना तक ही, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।